हर मुद्दे पर प्रखर आवाज से अपनी बात रखने वाली स्वरा भास्कर ने फहाद अहमद से शादी कर ली है। स्वरा ने सोशल मीडिया पर वीडियो पोस्ट करके शादी की जानकारी दी। स्वरा ने बताया कि फवाद और उनकी पहली मुलाकात शाहीन बाग में प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी। वहां से दोस्ती हुई, प्यार हुआ और अब शादी हो गई। स्वरा की शादी 6 जनवरी को हुई थी, लेकिन इसका ऑफिशियल अनाउंसमेंट उन्होंने 16 फरवरी को किया है। स्वरा ने वीडियो में कहा कि फहाद और मेरी मुलाकात 2019 में एक प्रोटेस्ट के दौरान हुई थी। प्रोटेस्ट के दौरान हम दोनों में दोस्ती हुई और बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। मार्च 2020 में फहाद ने मुझे अपनी बहन की शादी में बुलाया था, लेकिन मैं शूटिंग में बिजी थी, इस वजह से वहां नहीं जा पाई। और मैंने फहाद से वादा किया था कि मैं तुम्हारी शादी में जरूर आऊंगी। 2020 से लेकर 2022 तक इन दो सालों में हमारी नजदीकियां बढ़ी और आखिर 6 जनवरी को हमने स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के तहत कोर्ट में शादी के पेपर्स दाखिल किए और शादी कर ली। ये वीडियो वायरल होते ही फैंस और बॉलीवुड स्टार्स ने इन दोनों को बधाइयां दी। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज।